सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नई कहानी के बारे में सीखेंगे। उस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। आप जान भी जाएंगे कि ये कहानी ख़त्म होने पर हमें क्या समझ आया है करके। हम हर त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, दशहरा, गणपति फेस्टिवल, होली और नाग पंचमी, बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हर एक क्रिसमस, ईद, रमज़ान, ठीक है, उस तरह सब हम त्यौहार मनाते हैं। आज हम ईदगाह जाने पर एक ईदगाह के ऊपर एक स्टोरी है, वो स्टोरी को हम आज जानेंगे, ठीक है। ईदगाह एक ऐसी स्टोरी है, एक छोटे बच्चे की स्टोरी है। इसे आप देखोगे तो सुनोगे तो इतना प्रसन्न होगा आपके मन को कि आप नहीं कह सकेंगे कि इतनी अच्छी भी स्टोरी हो सकती है। और ये रियलिटी है, मैंने कहीं तो पढ़ा था, ये रियलिटी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, ठीक है। रमज़ान के, देखिए मैं जैसे जैसे पढ़ते जाती हूँ आपको भी वैसी तरीके से अपने टेक्स्ट बुक में फिंगर ऑन द लाइन रखना है, ठीक है, उंगली लाइन पर रखनी है। अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11, कहानी 2, यानी कि पार्ट नंबर 2, कहानी है ईदगाह, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। सूरज देखो कितना प्यारा है, लगता है ईद की बधाई दे रहा है। गांव में हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, बार बार जेब से पैसे निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 11, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, वे इन्हें अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ों लगाए, खिलौने, मिठाइयाँ, बगुल, गेंद, न जाने क्या क्या, अब सबसे अधिक प्रसन्न है। हमीद वहाँ 4 साल का एक दुबला पतला लड़का, जिसके पिता हैज के भेंट में गए हैं। माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वहाँ भी मर गई। किसको पता ही नहीं चला कि बीमारी क्या थी, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको विस्तार में बताऊँगी। रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीनों में क्या है, पूरे 30 दिन फास्टिंग करने के बाद यहाँ पे ईद आती है, रमज़ान ईद आने पर क्या किया सब लोगों ने, सुबह का सूरज बहुत प्रसन्न लग रहा था और सब तरफ ईद की बधाइयाँ दे रही थी और सब तरफ रौनक मचा हुआ था। ईदगाह जाने के लिए सब लोग तैयार थे और हर तरफ खुशहाली यानी हरियाली किलकारी हो रही थी। लड़के सबसे प्रसन्न थे, बॉयज़ सबसे प्रसन्न थे, क्योंकि लड़के सब खुश थे क्योंकि उनको घर में बहुत सारे सब लोगों ने उनको पैसे दिए थे और उनके जेब पैसों से भरे हुए थे। इसीलिए वो लड़के क्या कर रहे थे कि पैसे निकाल कर गिन रहे थे और अपने जेब में रख रहे थे। उनको इतना खुश हुआ था कि वो इतने पैसे देकर कि वह बहुत प्रसन्न थे। तो उसके बाद देखिए, एक का नाम था महमूद और एक का नाम था मोहसिन। महमूद के पास 11 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, ठीक है। यहाँ अनगिनत गिनती गिन रहे थे और ना जाने क्या क्या ख्वाब देख रहे थे कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, बगुल खरीदेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ सब लाएंगे करके वो अनगिनत गिनतियाँ गिन रहे थे और वो अधिक प्रसन्न थे। उसके बाद वहाँ एक 4 साल का लड़का था, उसका नाम था हमीद। वहाँ हमीद एक ऐसा छोटा बच्चा था 4 साल का, उसके बाबा हज को गए थे, तभी वहाँ हज के हैज भेंट हो गए
और उसके बाद जो है उसकी माँ पीली पढ़ते गई और एक दिन वो चल बसी। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमीद के माँ बाप नहीं थे, हमीद के माँ बाप नहीं थे, हमीद एक अनाथ बच्चा था, हमीद एक अनाथ बच्चा था, उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसको उसकी दादी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। वो अपनी दादी के साथ ही रहता था। और दादी कैसी थी हमीद की, यहाँ देखेंगे अभी, ठीक है। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और इतना ही प्रसन्न रहता है, उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी वहाँ जानता है कि उसे अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ से अल्लाह मियाँ के घर से मेरे लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लानी गई है, इसलिए हमीद प्रसन्न है। तो यहाँ पे इतना कहानी इतने यानी कि कठिन है समझने के लिए। एक छोटा बच्चा जिसकी मम्मी नहीं है पापा नहीं है, फिर भी वो अपने दादी के साथ, 4 साल के बच्चा है, अपने दादी के साथ रहता था, वहाँ उसके पैर में चप्पल नहीं है, एक सिर पर फटी हुई टोपी है और वो बूढ़ी दादी के साथ रहता है और इतना प्रसन्न रहता है कि उसको लगता है कि मेरे पापा हज गए हैं और आते वक्त बहुत सा रुपया लेके आएंगे। और माँ जो गई है वो अल्लाह मियाँ के भगवान के पास गई है, वहाँ से बहुत सारे चीज़ें लाने के लिए गई है करके वो सोच रहा है। उसके बाद देखिए, अभागिन अमीना अपने बेटे अपनी कठोरी में बैठी रो रही है, कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन अमीना, अमीना कौन है, दादी का नाम है अमीना। अमीना अपनी कठोरी में कोठरी में बैठ के रो रही है, माफ़ कीजिए, कोठरी में बैठ के रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हमीद क्या कराए, तो घर में पकाने के लिए दाल नहीं है, ना चावल नहीं है, सिवैया नहीं है, ना कुछ नहीं है। ईद के दिन क्या क्या पकाते हैं आपको तो पता है, सिवैया, दाल, चावल, बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है, हमीद कहता है कि हमीद को वो सबसे छोटा है, वो तो सबसे अनजान है, तो उसको पता नहीं है, लेकिन अम्मी दादी अमीना अम्मा को सब पता है ना, अमीना अम्मा एक बूढ़ी है, तो वो कह रही है, उसे कह उसको अम्मा को क्या टेंशन है कि घर में दाना पानी कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी ईद कैसा होगा करके उसको एक टेंशन है, और बच्चे के माँ बाप भी नहीं है और बच्चे को ये करने के लिए भी कुछ नहीं है करके वो टेंशन में है। और हमीद क्या कहता है, भीतर जाकर दादी अम्मा से क्या कहता है, अम्मा तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना करके कह के जाता है। अमीना का दिल कछोड़ रहा था, यानी कि अमीना को तकलीफ़ हो रही थी, बच्चे को पैसे कुछ करने के लिए पैसे नहीं थे, घर में ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे, खुद के पास घर में चूल्हा चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसका दिल कछोड़ रहा था, वो बुरा फील कर रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे, हमीद का अमीना से सिवा कोई भी नहीं था, और भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, केवल 3 पैसे हमीदा के जेब में है, हमीद के जेब में है। मैं 5 और 5 अमीना के में देखिए, केवल 3 पैसे हमीदा के जेब में है और 5 पैसे 5 जो है अमीना के बटुए में है, यहाँ तो बिस्सत है। और ईद का त्यौहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाए, तो क्या कहती है, अमीना के पास जेब में 3 रुपए हैं और 5 अमीना के बटुए में सिर्फ 5 रुपए हैं, तो उसने क्या किया, इस त्यौहार को बनाना है भी भगवान ही बेड़ा पार कराएगा करके कहती है। चलिए इसके बाद गांव से मेला चला और बच्चों के साथ
हमीद भी चला जा रहा था। शहर में चलिए फिर एक बार दोहराती हूँ, गांव से मीला चला और बच्चों के साथ हमीद भी चल जा रहा था। शहर के में सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। सहसा ईदगाह नज़र आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। तभी मिठाई खिलौने की दुकान पर धाव होता है। हमीद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हमीद खिलौने को ललचाई आंखों से देखता है। वहाँ अपने आपको समझाता है कि मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यहाँ कितना फील कर देने वाला है। देखिए, छोटा बच्चा है, वो बिना किसी मदद के सबके यानी कि सबके साथ वो ईदगाह गया है और ईदगाह जाके वहाँ पे सजदा करता है। सजदा करने के बाद उसको यानी कि जब जाते रहता है तब स्कूल, कॉलेज, अदालत सब कुछ दिखाई देता है। सड़कों के दोनों तरफ से बगीचे दिखाई देते हैं। तो वो छोटा बच्चा है, उसका मन थोड़ा ललचाया जाता है, फिर भी वो अपने मन को सहला लेता है। और क्या होता है देखिए आगे, नमाज अदा होती है, सभी एक साथ नमाज झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। सभी नमाज अदा होने के बाद सभी मिठाई के दुकान पे धावा बोल लेते हैं और सभी जाते हैं। और मिट्टी के खिलौने की उसको बहुत मन को पसंद आती, लेकिन वो अपने मन को ऐसे समझाता है मिट्टी की तो है, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, इसके लेकर हम क्या करें, ऐसे मन को ऐसे समझाता है। ठीक है, इसके आगे की जो कहानी है हम अगले क्लास में आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए आपको ये इतना ही सीखना होगा। ठीक है, धन्यवाद।